भी कोई तो होगी ना जो अच्छी लगती होगी, जिसको देख के दिल करता होगा कि बस शादी करूंगा तो इसी से। नहीं अम्मा, तुम्हारा बेटा ऐसा आदमी नहीं है जो दूसरों की बहनें बेटियां देखता फिरे। अच्छा तो फिर हिकमतुल्लाह खान साहब, ये बाल किसकी बहन बेटी का है? तुम्हारा होगा, जाने से पहले तुमने मुझे गले लगाया था ना, तभी लगा होगा। अब देखो और तो नहीं है। जाने से पहले तो तुमने मुझे गले नहीं लगाया था बच्चे, बल्कि तुम तो मेरे गले पे पैर रख के ऐसे भागे थे जैसे कोई कौवा गुलेल देख के भागता है। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारा ही है, बाल गिर रहे हैं तुम्हारे, ख्याल करो इनका। पहली बात तो ये है कि मैंने सारी जिंदगी बालों में मेहंदी नहीं लगाई, दूसरा मेरे बाल कभी मुर्गी की दुम से ज्यादा लंबे हुए ही नहीं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे मुझे सच सच बताओ, ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? अच्छा, कान छोड़ो कान छोड़ो, बताता हूँ। गुलमीना पहले नाम फिर कान बताओ। गुलमीना। सुभान अल्लाह, पसंद भी आई तो गुल मीना। खाला से बात करो ना, शादी तो अल्लाह का हुक्म और नबी पाक की सुन्नत है, नेक काम है जल्दी करे, कम अज कम तो मेरे फर्ज से तो आजाद हो जाओ। तुम चुप के उससे मिलते रहे हो? इंसान बनो एकमात इंसान, अब दोबारा उससे नहीं मिलना, समझे? जरगुना के हाथ लग गए ना तो सारे गांव में मुझे बेइज्जत करके अपना सीना टंडा करेगी वो। तो फिर गुलमीना का रिश्ता मांगो ना, नहीं मांगोगी तो मिलता रहूंगा, पकड़ा गया तो तुम जानो और तुम्हारी बहन। ये बड़ों की दुश्मनी में हम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी क्यों दें? खराब हो गया इस लड़के का।